आज हम अमित करोसिया जी के हसारी विजयनगर आए हैं। हमारे संगठन का भी अभियान चल रहा है, आपका संगठन आपके द्वार, तो आपका संगठन आपके द्वारा, जब आपके द्वारा आया है भाई अमित करोसिया को हमने निवेदन करा, उन्हें अपने संगठन के विचार बताए, तो उन्होंने हमने आज जिला मंत्री की जिम्मेदारी दी है और उनके साथ में भाई विशाल करोसिया जी को जिला कार्यकारिणी सदस्य, भाई अमित करोसिया जी को जिला कार्यकारिणी सदस्य, भाई मिथुन करोसिया जी को जिला कार्यकारिणी सदस्य, भाई कंचन बाल्मीकि को जिला सदस्य, भाई संतोष बाल्मीकि को जिला सदस्य, भाई निहाल करोसिया को जिला कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी दी है और जिला मंत्री की भाई अमित करोसिया को दी है। ऐसे हम कार्यकारिणी अपने निरंतर रूप से चल रहे हैं और अब हम समाज की बस्तियों में निकलेंगे। अभी वाल्मीकि मंदिर सुना है, यहाँ के लोग समाज के लोग बनवा रहे हैं, तो भगवान वाल्मीकि का भी आशीर्वाद लेने जाएंगे कि जिनके नाम से हम संगठन चला रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से हम सब बढ़ रहे हैं, उनके भी दर्शन करेंगे और समाज के गणमान्य लोगों से मिलना होगा। वाल्मीकि रक्षा दल जो कई महीनों से चल रहा है, झांसी कन्या जाकर संरक्षक अनूप करोसिया जी हैं, पूरी टीम है, अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है। आज इन्होंने हसारी के अंदर, विजयनगर के अंदर अमित वाल्मीकि जी के यहाँ, अमित करोसिया जी के यहाँ और मिथुन करोसिया जी के आज नमाज पढ़ा है, इनको जोड़ने का काम किया वाल्मीकि रक्षा दल में। पूरी टीम बैठी है, अनूप करोसिया जी जो की संरक्षक नहीं है, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे हिसाब से देखा जाए पूरे झांसी के अंदर अनेकों वाल्मीकि समाज के युवाओं को जोड़ने का काम वाल्मीकि रक्षा दल में कर रहे हैं। अनूप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कहाँ का दौरा था हसारी? आज निरंतर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर वाल्मीकि रक्षा दल का गठन किया गया था। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में हर शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, उसी तरह गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर वाल्मीकि रक्षा दल का गठन किया गया। गणेश चतुर्थी से निरंतर रूप से प्रतिदिन वाल्मीकि बस्तियों में जाकर वाल्मीकि समाज के युवाओं को संगठित कर, वाल्मीकि युवाओं को संगठित कर उन्हें संगठन से जोड़ने की हम निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। हम उनको उनके बीच में जाकर उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनते हैं और अपने जो संगठन का लक्ष्य उद्देश्य और ध्येय और वाक्य है उनको उन्हें अवगत कराकर, उनको बताकर, संगठन में उनको जोड़कर उन्हें पदाधिकारी और सदस्य बनाकर उन्हें बनाते हैं। और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो अब समाज में अपने अपने सामर्थ्य के माध्यम से किसी भी संगठन में या किसी भी पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको हम अपना मार्गदर्शक बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं, जिनके मार्गदर्शक में हम सबको हमारे संगठन चेतन आगवान जी जिलाध्यक्ष, भाई गुलशन पटौर जी महानगर अध्यक्ष, ऐसी समाज की युवा टीम को साथ में लेकर समाज को एक नई दिशा, नई ऊर्जा के साथ हम समाज के युवाओं को संगठित करके संगठन के माध्यम से कुछ काम करने के लिए निकले हैं। और भगवान का आशीर्वाद रहा और बड़े बुजुर्गों का साथ रहा और युवा साथियों का साथ रहा, तो निश्चित ही हम जल्दी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे समाज। वाल्मीकि समाज कई क्षेत्र में पिछड़ी हुई है, क्या मानते हो झांसी में कौन सी चीज से लेकर पिछड़ी हुई है वाल्मीकि समाज? महानगर में, झांसी महानगर में एक बड़ी संख्या में रहती है और लगभग 60 वार्ड झांसी में है। 60 वार्ड में, इस वार्ड में हमने देखा है 8-10 वार्ड वाल्मीकि समाज के बहुल क्षेत्र हैं और लगभग 5-6 वार्ड कम संख्या में है, लेकिन 8-10 वार्ड में हमारी संख्या बहुत मजबूत है। आज आने वाला समय कुछ 10-15 दिन बाद निकाय चुनाव के आने वाले हैं। हमने देखा है पूर्व में, क्योंकि आपकी बाढ़ की समस्याएं, जो निचले स्तर की समस्याएं, वो प्रधान और पार्षद से निपटती हैं। हमारे पूर्व में हमारी नगर निगम में हमारे समाज के पार्षद नहीं बन पाए, हमें उसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब नगर निगम के अंदर हमारे समाज के प्रति काले कानून बनाए जाते हैं, उससे हमारे समाज का पार्षद नहीं होता है तो उस चीजों का विरोध नहीं हो पाता है। यदि हमारे समाज के पार्षद वहाँ बड़ी संख्या में होंगे तो वहाँ कोई सा भी कानून बनेगा, यदि हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाइयों के खिलाफ, तो वो पार्षद उसका विरोध करेंगे। तो इस उद्देश्य को भी हम ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय निकाय चुनाव का है। इन निकाय चुनाव में हम अपने समाज के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी लड़ाने का प्रयास करेंगे। वाल्मीकि रक्षा दल से नहीं, वो जिस पार्टी से लड़ते हैं या वो निर्दलीय लड़ते हैं। और एक हमने पूर्व में देखा है कि जब हमारे समाज का व्यक्ति कहीं एक लड़ता है तो